चेहिंद बंदे मातरम दोस्तों आज मैं आपको एक और सेंटर की रिलेशन भर्ती बताने वाला हूँ और काफ़ी बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर हमारे सेंटर की भर्ती कब आएगी दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हर किसी का सेंटर होता है जिसका रिलेशन होता है तो सब बच्चे पूछते रहते हैं कि सर मेरे सेंटर की भर्ती कब निकलेगी मेरे सेंटर की भर्ती कब निकलेगी तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली एक और सेंटर की रिलेशन भर्ती निकल के आ चुकी है मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बताऊँगा सेंटर का नाम है दोस्तों डोगरा रेजमेंट सेंटर ठीक है इसकी रिलेशन भर्ती आ चुकी है स्क्रीन पर आप हमारी ये वीडियो यानी कि नोटिफिकेशन देख सकते हैं सेंटर की ओर से निकला है तो हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और आपको सही जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं यानी कि आपको हम सही गाइड करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों हम आपको भी पता है कि हमने आपके तमाम सेंटर जितने भी यानी कि भारत में छियालीस सेंटर हैं जिनमें दोस्तों हमने काफी सेंटरों में मैंने खुद ने भर्ती देखी है तो आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको पूरी जानकारी देते रहते हैं कि कौन से सेंटर में भर्ती कब होगी कैसा सेंटर है क्योंकि मुझे पता है मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैं अब आपका समय ना लेते हुए सेंटर का नाम मैंने दोस्तों आपको बता दिया डोगरा रेजिमेंट सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर दोस्तों जो आपकी भर्ती स्टार्ट होगी दोस्तों 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और दोस्तों 26 अगस्त तक आपकी भर्ती चलेगी ठीक है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें कौन कौन सी ट्रेड रहेंगी सिर्फ मेन बात करूँगा कि भर्ती कब से कब तक चलेगी कौन सी ट्रेड रहेंगी और कौन कौन बच्चे इस भर्ती में जा सकते हैं ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों इसमें ओनली सिर्फ़ ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देना कि इसमें दोस्तों आपकी जीडी ठीक है यानी कि आपकी यहाँ पर दोस्तों जीडी और ट्रेडमैन की भर्ती निकली है ठीक है और यहाँ पर दोस्तों आपको से चार ग्राँगे ग्राँगे चार इस सेंटर में यानी कि डोगरा रेजिमेंट सेंटर में दोस्तों सुबह यानी कि चार बजे ग्राउंड में पहुँच जाना है ठीक है और दोस्तों जो आपका ये डोगरा रेजिमेंट सेंटर है इसकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि सेंटर कहाँ पर है अब काफ़ी भाई पूछेंगे ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ठीक है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि डोगरा रेजिमेंट ठीक डोगरा रेजिमेंट सेंटर फैजाबाद ठीक है जो आपका सेंटर फैजाबाद में है ये डोगरा रेजिमेंट ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और कि दोस्तों जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है ठीक है वो भी इस सेंटर में भर्ती देख सकते हैं और कौन कौन सी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ज़िले से होने चाहिए ठीक है और दोस्तों यहाँ पर कुछ उम्मीदवारों की यहाँ पर भर्ती की जाएगी ठीक है यानी कि पूरे भारत की नहीं है यहाँ पर मैं आपको दोस्तों गिनवा देता हूँ ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपकी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर पंजाब के कुछ दोस्तों यहाँ पर यानी कि जिले लिए गए ठीक है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों इन्हीं बच्चों की इस सेंटर में भर्ती होगी मैं आपको फिर बता देता हूँ दोस्तों हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर ठीक है जम्मू कश्मीर और पंजाब के कुछ यहाँ पर ज़िले दिए हुए हैं ठीक है और दोस्तों यहाँ पर आपका जो रैली प्रोग्राम है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो रैली भर्ती प्रक्रिया दी गई है ठीक है यानी कि तिथि के अनुसार होगी यहाँ पर दो नंबर में दिया हुआ है पहले दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे हैं उनका वहाँ पर शारीरिक यानी कि उनका डॉक्यूमेंट फिजिकल सब कुछ हो जाएगा ठीक है बीस अगस्त को उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यानी कि के जो खे पॉइंट दिया गया है इसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर और पंजाब के जो ज़िले हैं ठीक है जो भी यहाँ पर मैंने आपको बताए थे वो 22 अगस्त को होंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिन भाइयों ने स्पोर्ट्समैन से भर्ती देखनी दोस्तों उनका यहाँ पर पहले दस्तावेज़ चेक किया जाएगा तेईस तेईस अगस्त को और दोस्तों चौबीस अगस्त को उनका यहाँ पर ट्रायल होगा ठीक है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ठीक है, है। ये पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक ठीक है यानी कि उनका यहाँ पर दस्तावेज़ चेक किया जाएगा और स्पोर्ट्स ट्रायल होंगे चौबीस अगस्त को और दोस्तों यहाँ पर उनके जो स्पोर्ट्स से भर्ती देखेंगे वो ट्रेडमैन में एंट्री करेंगे ठीक है भर्ती में आपकी जो सेना भर्ती में और दोस्तों यहाँ पर वही बच्चे जाएंगे स्पोर्ट्स के लिए जो कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे यानी कि केवल वही आ, आ सकते हैं जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और पंजाब के जो यहाँ पर ज़िले दिए हुए हैं ठीक है वो भी स्पोर्ट्समैन की भर्ती सेम देखेंगे और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपको कोविड नाइन्टीन का सर्टिफिकेट लेके जाना जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं और वो भी बेहतर घंटे का होना चाहिए और आप सैनिटाइजर मास्क भी साथ लेके जाएं ठीक है तो दोस्तों ये अपडेट जानकारी आपको अच्छी लगी हो क्योंकि मैं आपको अच्छी गाइड करता हूँ आपको अच्छी जानकारी देता हूँ आपसे फ़ोन पे भी बात करता हूँ काफ़ी बच्चों की कॉल आती है पढ़ डे तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें नीचे रेड बटन है आपसे बोल रहे हैं उसे सब्सक्राइब करके और साथ में एक घंटी आती है उसे ऑल पर सेट कर देना ठीक है इससे यही होता है कि हम जैसी कोई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाता है और आपको हम अच्छी तरह से जानकारी देते हैं वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है हमें भी पता है क्योंकि इस टाइम मैं थोड़ा सा बिजी हूँ भाई पर आपको मैं बहुत जल्दी यानी कि आपको टाइम टू टाइम मैं यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा पूरी जानकारी देता रहूँगा जय हिंद बंदे मातरम